कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर निगम चुनाव की जीत से उत्साहित कहा कि रीवा सीट सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती थी, जिसमें महापौर की जीत ने तय कर दिया है कि 2023 के चुनाव में रीवा सीट को कांग्रेस प्रत्याशी 25,000 वोटों से जीतेगा। साथ ही राजेंद्र शर्मा ने कहा कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा और जनता की राय से प्रत्याशियों को टिकट देकर 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 2018 चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद तत्कालीन शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और ग्रामीण अध्यक्ष भगत शुक्ला को हटाते हुए शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल और ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को बनाया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं नवनियुक्त कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ने क्या कहा है। हालांकि आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि संगठन की गुटबाजी दूर करने में नवनियुक्त पदाधिकारी कितना सफल होते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के अपने नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी को, हमारे देश की नेता कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय श्री राहुल गांधी जी को, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जेपी अग्रवाल जी को, हमारे मध्य प्रदेश के नेता सम्मानित दिग्विजय सिंह जी को, हमारे विंध्य के नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल जी को, हमारे जिले के प्रभारी सम्मानित प्रताप भानु शर्मा जी को मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी संगठन पर नियुक्ति की, हम पे ये विश्वास किया कि हम कांग्रेस पार्टी को इस पद पे रहकर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को करें और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। मुझ पे किया गया है उसकी हम रक्षा करेंगे और अपने पद का पूरी कर्मठता के साथ निर्वहन करेंगे। हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो पार्टी के द्वारा हमें समय समय पर दिशा निर्देश मिलेंगे, जो कार्यक्रम मिलेंगे, उसको हम ग्रॉस रूट लेवल पे जमीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन करें और कांग्रेस पार्टी के जो अभियान है उसको जनता के साथ जोड़ें। देखिए 2018 में कांग्रेस को अगर एक भी सीट नहीं मिली तो उसके कुछ अलग कारण थे, उस समय की अलग परिस्थितियां थी। परिस्थितियां बदल गई हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम रीवा जिले की 8 में 8 सीट में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस को विजयश्री दिलाएंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपनी पार्टी को यहाँ रीवा में हर सीट पे विजय दिलाएं। देखिए हम बूथ लेवल तक अपनी कमेटीज का गठन करेंगे, बूथ कमेटियां तैयार होंगी, सेक्टर कमेटी तैयार होंगी, मंडल कमेटियां तैयार होंगी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां तैयार होंगी और सबसे बड़ा जो देखिए संगठन को मजबूत करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं, एक तो निरंतर संवाद, दूसरी चीज जैसे प्लेयर्स होते हैं वर्जिश करते हैं एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो पूरे टाइम कांग्रेस के अभियानों के जरिए अपने संगठन को हमेशा चार्ज रखना और उसको गतिशील बनाना, यही हमारा काम रहेगा। हम आज से ये मान के चलेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है और हमारा चुनाव कल हमारे से, कौन सामने है इसकी हम चिंता नहीं करते, हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम किस तरीके से जीत हासिल करनी, सो हम जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत होगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं, उन नेताओं से ऊब चुके हैं जिन्होंने सत्ता के सहारे रीवा की ज़मीनें बेच दी, रीवा की सारी योजनाओं को ख़राब कर दिया, यहाँ जो सरकारी पैसा केंद्र सरकार का आया, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का आया हो चाहे वर्तमान केंद्र सरकार का पैसा आया हो, वो भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ गया। हमारे यहाँ की जो योजनाएँ बनी वो खोदने में, रोडें और तोड़ने में ही पूरा पैसा बर्बाद हो गया, ठेकेदार पैसे लेके भाग गए यहाँ से, तमाम ठेकेदारों को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया, पर तब ब्लैकलिस्ट किया जब वो पैसे लेके भाग गए और जनता को ये सब चीज़ें मालूम पड़ चुकी हैं। महापौर का जो हमारा रिजल्ट है वो इस बात का परिणाम है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत माना जाता था, रीवा जिले में कहा जाता था कि सबसे मजबूत कोई सीट है तो रीवा, और रीवा में सबसे अधिक मजबूत है तो नगरी सीट,
जहां कभी महापौर कांग्रेस का नहीं जीता, भाजपा किसको खड़ा कर देती थी, सब चुनाव जीत जाते थे। और आज आप देखिए वहां उनको 11,000 वोट से हार मिली और विधानसभा में यार 25,000 30,000 वोटों की होगी।